जी ओ जी लो जी सुनो जी, हम आ गए वापस सीजी फैंटेसी शो के साथ जी, और मेरे साथ ऋतिक जी है। ऋतिक जी मेरे को रिस्पेक्ट दे दी मुझे इस चीज की। खैर फैंटेसी शो के दौरान इस चीज की आदत नहीं है, पर लेकिन क्योंकि मेरे को आर के बुलाते हैं, पर लेकिन फॉर अ चेंज ऋतिक जी, पर लेकिन सुनो जी हमने इसलिए कहा है क्योंकि आप भी हमारी बात सुनेंगे और ढेर सारे पॉइंट्स जीतेंगे। जी हाँ, सुनेंगे ये कि WPL का मैच होने वाला है और कौन सा मैच है उसके बारे में बात करते हैं। मैच नंबर 8 यूपी वॉरियर्स वर्सेस गुजरात जायंट्स, और ये मैच हो रहा है बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की विकेट क्या है, किस तरह से आगे जो ग्राउंड है वो किस तरह से रहता है, और उसके अलावा टॉप क्या पिक्स होने वाली है दोनों टीमों की तरफ से, वो उस बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ फिर फैंटेसी 11 की बात तो ऑब्वियसली करनी है ना, क्योंकि आप लोग भी इसीलिए आए हो, हम भी इसलिए आए हैं, फैंटेसी 11 की बात करनी आए हैं। भाई साहब कोई टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि ओवरऑल बिल्डअप करना पड़ता है, यू नो प्रोड्यूसर साहब बोलते हैं तो कब करना, वरना हमारा क्या है, हम आगे बताइए टीम, लेकिन नहीं फिर भी जरूरी है क्योंकि सारे पॉइंट्स जानना जरूरी है, कौन सी टीम क्यों रखते हैं, कौन से प्लेयर को क्यों रखा जाता है टीम में, इसलिए। तो भाई साहब जरा बता दो पिच रिपोर्ट। तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु की पिच, जैसे कि मैंने हर एक बार बताया है, फ्लैट रहेगी, बैटिंग पैराडाइज है, ग्राउंड के डायमेंशंस छोटे हैं, शॉर्ट बाउंड्रीज है, स्क्वायर बाउंड्रीज भी शॉर्ट है, सामने की बाउंड्री भी शॉर्ट है, तो छक्के चौके तो लगते रहेंगे, बारिश तो होगी पर लेकिन रनों की बरसात छक्के चौकों की बरसात होगी, पर साथ ही साथ खैर ड्यू का फैक्टर भी आ जाता है सेकंड इनिंग्स में। तो टीमें जो है वो चेज करना प्रेफर करती हैं, टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग करे और करेगी भी, और चेज करने का ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करेंगी। कहीं तो चेज कर ही लेते हैं, और लड़कियां कहीं तो चेज करें, मतलब लड़के करते होते हैं जल्दी चेज, लेकिन कह रहे उधर नहीं चलते हैं। अब जाते हैं सीधा हमारे टॉपिक्स की तरफ, कि भाई कौन से रियल टीम का आप बताना चाहोगे, ये बता दो आपको। खैर मैं बताना चाहूंगा गुजरात जायंट्स के टॉप 3 पिक्स के बारे में। तो गुजरात जायंट्स के टॉप 3 पिक्स कुछ ऐसे हैं, बेथ मूनी, एशले गार्डनर और स्ने राणा। तो ये गुजरात के टॉप पिक्स, अब बात करते हैं यूपी वॉरियर्स के टॉप पिक्स की। एलिसा हीली, सोफी एलेक्सटोन और साथ में होंगी दीप्ति शर्मा। तो ये 3 प्लेयर्स हमारी तरफ यूपी की टीम के लिए टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं और टॉप पिक्स रहेंगी। और अब चलते हैं सीधा फैंटेसी 11 की तरफ, कि कौन से वो प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स जो आपको रखने होंगे अपनी फैंटेसी 11 में, जो आपको सबसे ज्यादा पॉइंट्स जितवा कर देंगे और साथ साथ कैश रिवॉर्ड्स भी जितवा कर देंगे। तो ऋतिक भैया जरा बता दो प्लीज। मैं बता देता हूँ, फैंटेसी 11 जीजी वर्सेस, यानी गौतम गंभीर नहीं, गुजरात जायंट्स वुमेन वर्सेस यूपी वॉरियर्स वुमेन के बीच की जो फैंटेसी 11 रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी। विकेट कीपर्स में हमने चुना है एलिसा हीली और बेथ मूनी को, बैटर्स में ग्रेस हैरिस को चुना है, ऑलराउंडर्स में से दीप्ति शर्मा, ताहिला मैकग्रैथ, कैथरीन ब्राइस, एशले गार्डनर, बॉलर्स में से सोफी एक्लेस्टोन को, ली तहुहु को, राजेश्वरी गायकवाड़, तनुजा कवर, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन, ये चुनना भी बहुत जरूरी है। कैप्टन हमारे ताहिला मैकग्रा और उसके बाद वाइस कैप्टन है एशले गार्डनर। तो ये थी इस मैच की फैंटेसी 11, इस फैंटेसी 11 की टीम को लगाएं और ढेर सारे कैश पॉइंट्स जीतें। आपको लगता ही है, आपको पता ही होगा कि यार हमारे पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे खासे आते हैं और आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा, ऐसा कैश प्राइज हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ऐसा हम गारंटी दे सकते हैं सॉर्ट ऑफ, कि भाई जिस तरह की हमारी टीम जाती हैं, जो हमारे रिवॉर्ड्स आ रहते हैं और जो हमारे फीडबैक मिलता है जो हमें, वो बहुत ही अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है। और उसके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ एक और ये है कि जाके हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें सीजी फैंटेसी शो का, क्योंकि लास्ट मिनट कोई भी अपडेट होती है ना तो वहीं पे अपडेट होती है, और कोई भी रिप्लेसमेंट आता है, फॉर एग्जांपल प्लेयर कोई इंजर्ड हो जाता है, उनकी जगह पे कोई रिप्लेसमेंट आता है, तो वहां पर सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा आफ्टर टॉस, और जो भी लास्ट मिनट अपडेट होगा या चेंज होगा या कोई टीम में चेंजेस आते हैं सब वहां पर मिल जाए। तो टेलीग्राम चैनल को जरा ज्वाइन कर लेना, उसके साथ साथ सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो और साथ में लाइक कर देना, और उसके साथ साथ अभी रुको एक सेकंड, एक और चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है वो भी, कि यूट्यूब चैनल को जरा जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो उसको भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आएगी, आपको पॉइंट जितवा कर लेकर जाएगी। तो ज़रूरी है ये करना कि आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरा प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियो आए आपको पता हो कौन सी आ रही है, और आप बस बैठ के वीडियो देखो और टीम बना लो शांति से, क्या टेंशन है, कोई टेंशन ही नहीं है, सारी टेंशन आपकी हमारी है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग सीजी फैक्ट्री शो।